डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलिए क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, हम लोग पिछले क्लासों में विक्टर मेयर विधि के बारे में पढ़ा था, तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं आयुपीएसी नाम, जो अल्कोहल से रिलेटेड है। तो हम लोग जो एक केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर का शुरुआत किए हैं, अल्कोहल, फिनोल और इथर, तो इसमें हम लोग तीन पार्ट्स में बटा हुआ एक चैप्टर है, जिसमें अल्कोहल के बारे में भी पढ़ेंगे, फिनोल और इथर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं अल्कोहल से संबंधित आयुपेशी नाम या अल्कोहल के आयुपेशी नाम। अल्कोहल के आयुपीएसी नाम। आयुपीएसी का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, इंटरनेशनल यूनिट प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो अब हम लोग देखिए, हर चैप्टर में आयुपीएसी नाम आने वाला है, ये आप बिल्कुल समझ से बाहर कर दीजिए कि सिर्फ अभी ही हम लोग को आयुपीएसी नाम पढ़ना, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में जो 8 चैप्टर है, उसमें 7 चैप्टर का अलग अलग आयुपीएसी नाम सीखना होता है, यानी हर चैप्टर में आपको आयुपीएसी नाम मिलेगा ही मिलेगा। तो हर कंडीशन में हर तरह के अलग अलग चीजों का आयुपीएसी नेम लिखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों ने इसके पिछले वाले चैप्टर में लिखा, उसका अलग कुछ क्राइटेरिया था, अलग कुछ रूल्स थे, वैसे ही अभी हम लोग अल्कोहल के सबसे संबंधित अल्कोहल का आयुपीएसी नाम देख रहे हैं। तो टॉपिक्स बनाए हैं हम लोग अल्कोहल के आयुपीएसी नाम। अब इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, अब क्या क्या कुछ कंडीशन है, कैसे लिखा जाता है, चलिए फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे सबसे पहले पीसी चुनना होगा। सबसे पहले पीसी, और पीसी के बारे में हम पहले बता चुके हैं, दैट इज प्रिंसिपल चैन। सबसे पहले पीसी चुनना होगा, फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जिधर से ओएच समूह। देखो भाई, अल्कोहल का पहचान क्या है, अल्कोहल का पहचान ओएच समूह है, ठीक है, यानी कि जिस कार्बनिक रसायन में, जिस कार्बनिक यौगिक में ओएच समूह जुड़ा हुआ दिख जाए, उसको हम लोग पहचान करते हैं कि क्या है भाई, ये अल्कोहल है। तो सिंपल वही बात कि जिधर से ओएच समूह नजदीक पड़ेगा, उधर से नंबरिंग करेंगे। फिर थर्ड एरो देकर लिखेंगे, यदि ओएच समूह फेल हो जाए तो, सब्टिट्यूएंट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, हालांकि सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल चैन क्या होता है, ओएच समूह फेल होगा इसका मतलब क्या है, यदि सब्टिट्यूएंट के आधार पर, तो सब्टिट्यूएंट क्या है, सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर से चीजों को सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्टिट्यूएंट के आधार पर नंबरिंग करना होगा, ये हो गया। फिर लिखेंगे, यदि सब्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो, अल्फाबेट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट एरो दिया जाए, इसमें सफिक्स के रूप में
सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, ठीक है, यानी कि जैसे एल्केन में एन जोड़ते हैं, एल्किन में इन जोड़ा जाता है, वैसे ही दोस्तों जब एल्कोहल का आप आयुपीएसी नाम लिख रहे होंगे तो यहां पे लिखेंगे इसमें सफिक्स के रूप में ऑल जोड़ा जाता है, ऑल जोड़ा जाता है ऑल। अब ये समझेंगे कि हम लोगों का ऑल क्या है, ठीक है। तो सबसे सिंपल वे में आप समझिए कि अल्कोहल का आयुपीएसी नाम लिखते समय आपको कौन कौन सा बात ध्यान में रखना होगा। पहला ये कि प्रिंसिपल चेन चुनना होगा जिसको हम लोग पीसी कहते हैं। दूसरा वे में कि जिधर से ओएच समूह नजदीक पड़ेगा आपको उधर से ही नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग पीसी के बारे में जानते हैं कि पीसी वह चेन होता है कार्बन का जिसके दो छोर होते हैं, जिसके दो छोर होते हैं, और जिधर से ओएच समूह नजदीक पड़ेगा नंबरिंग करेंगे। अगर ओएच समूह फेल हो जाए तब हम किस आधार पे करेंगे, सब्टिट्यूएंट के आधार पे, सब्टिट्यूएंट के आधार पे नंबरिंग करेंगे। अगर सब्टिट्यूएंट भी हम लोगों का फेल हो जाता है, सब्टिट्यूएंट भी फेल हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तो अल्फाबेट के आधार पे करेंगे, अल्फाबेट के आधार पे। अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, अल्फाबेट तक लास्ट होता है हम लोग का। याद रखिएगा अल्कोहल में सफिक्स के रूप में ऑल जोड़ा जाता है, ठीक है, नाम के अंत में ऑल जोड़ देते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आयुपीएसी नाम लिखते वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। चलिए लिखा जाए कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के तौर पे। तो एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लिखते हैं। एग्जांपल नंबर वन, CH3 CH2 CH OH CH3। दूसरा CH3 CH OH CH3। सबका हम नाम लिख के दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, और फिर आपको सिखाएंगे भी कि आखिर नाम कैसे लिखना है। CH2 CL CH OH CH3। चौथा नंबर CH3 CHF CHOH CHCL CH3। पांचवा CH3 CH CL सॉरी AT CHOH। फिर CH, फिर I, CH3, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे पांच क्वेश्चंस लिखकर और आपको हम दिखाने वाले हैं कि अल्कोहल का आयुपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अब रहा बात कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्कोहल के वजह से नाम लिखाएगा, तो दोस्तों अल्कोहल का पहचान होता है OH, क्या होता है OH। जिस किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक रसायन में OH समूह अगर आपको दिख गया तो आप क्या बोलोगे इसको, आप बोल देना फट से अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पे हमको हर सवाल में दिख रहा है कि OH 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 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सब किससे रिलेटेड है, तो सब अल्कोहल से रिलेटेड है, ठीक है। और इनको हम लोग जब नाम लिखेंगे तो अल्कोहल वाला ही रूल नियम को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले कितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुपीएसी नाम लिखने को आएगा दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है फर्स्ट नंबर पे पीसी चुनना है। अब वो पीसी क्या होता है,
तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि पीसी यानी कि प्रिंसिपल चैन वह चैन होता है जिसमें कार्बन का सबसे लंबा चैन होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो छोर होते हैं। तो पीसी चुनना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो पहला में जो पीसी चुनेंगे वो इस तरीके से पीसी बनेगा। कार्बन टोटल चार था और चारों कार्बन का पीसी हम लोग देख लिए। दूसरे में बात करते हैं तो दूसरा में ये हो जाएगा हम लोगों का पीसी। तीसरा का पीसी कुछ इस तरीके का होगा। चौथा का अगर पीसी बात किया जाए तो बिल्कुल सीधा होगा क्योंकि कार्बन में ज्यादा से ज्यादा चैन आना चाहिए। हमें इसमें पीसी का बात किया जाए तो इसमें कुछ इस तरीके से पीसी होगा। तो हम लोग हर सवाल के लिए पीसी क्या होगा ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। पीसी के बारे में आपने सोच लिया फिर आपको काम करना है दूसरा नंबर में नंबरिंग करना है, ठीक है। अब नंबरिंग करने का जो तरीका होना चाहिए उसके लिए अल्कोहल में आपको सीखना होगा कि अल्कोहल के लिए जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो ध्यान पूर्वक करना है। सबसे पहले OH समूह को देखना है कि किधर से नजदीक पड़ रहा है। दोस्तों अगर OH समूह फेल होता है फिर हम लोग अगले वाले रूल्स पे जाएंगे। तो पहले वाले में कितने प्रिंसिपल चैन के दो छोर, एक यहाँ एक यहाँ। अब किधर से नंबरिंग करेंगे ये देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपके पास OH है। OH जिधर से नजदीक पड़ेगा आपको उधर से ही नंबरिंग करना होगा, ठीक है। तो यहां से आप इधर से देखिए तो एक दो तीन पे OH समूह पड़ रहा है। इधर से करेंगे तो एक दो पे नंबरिंग, दो नंबर पे OH समूह पड़ रहा है। तो किधर से नजदीक पड़ रहा है, राइट साइड से। इसीलिए हम लोग राइट साइड से इसको नंबरिंग किया, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जरा बात कीजिए तो इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल कार्बन है कितना, तीन ठो। अब OH समूह कितना पे जुड़ा हुआ है ये देखने के लिए इधर से हम लोग ट्राई करते हैं तो एक दो नंबर पे पड़ रहा है। इधर से करेंगे एक दो नंबर पे पड़ रहा है, यानी कि OH समूह तो दोनों तरफ से दो दो पे पड़ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे OH समूह फेल। तो जब OH समूह फेल तो सब्स्टिट्यूएंट देखा जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यहां तो कुछ है ही नहीं। तो जब सब्स्टिट्यूएंट कुछ है ही नहीं तो आपको जिधर से मन करे ऐसे सवालों में आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। मेरी इच्छा इधर से, आप इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सवाल नंबर तीन। इसमें भी कार्बन का चैन कितना है, एक दो तीन। ये दोस्तों कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, ठीक है। अब यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक छोर ये है और एक छोर ये है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले OH देखा जाता है। सबसे पहले क्या देखना है, OH समूह। तो इधर से कितना नंबर पे आ रहा है, तो एक दो नंबर पे आ रहा है OH समूह। इधर से करेंगे तो OH एक दो नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब OH समूह क्या हुआ, फेल हुआ। तो जब OH समूह फेल होता है तो अदर सब्स्टिट्यूएंट यानी कि OH को छोड़ करके और कुछ सब्स्टिट्यूएंट रहे, और सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग हम लोग सीखे हुए हैं कि प्रिंसिपल चैन के बाहर जो चीज बच जाता है हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ध्यान रहे OH भी एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट ही है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट का प्रयोग हमने पहली बार कर लिया है क्योंकि OH समूह देखा जाता है नंबर वन में, तो हम लोगों ने उसको देख लिया। अब एक और क्या है, तो अदर सब्स्टिट्यूएंट, या जब OH समूह फेल हो जाए तब आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को अब टारगेट करना है। तो क्लोरीन इधर से कितना नंबर पे आता है, एक नंबर पे। इधर से कितना नंबर पे आ रहा है, एक दो तीन नंबर पे। तो किधर से आसान है, बाएं तरफ से आसान है। तो हम लोग इधर करेंगे बाएं तरफ से नंबरिंग, 1 2 3। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन में आप चीजों को देख रहे हैं, ये है हम लोगों का पीसी, और पीसी में हम लोगों को जो देखना है सबसे पहले OH समूह को टारगेट करना है। तो OH समूह को टारगेट करने के लिए आप नंबरिंग कीजिए, तो 1 2
थ्री पे आ रहा है OH समूह, इधर से करेंगे तो वन टू थ्री, OH समूह क्या फेल, OH समूह फेल। तो जब OH समूह फेल हो जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट देखा जाता है, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या क्या है, फ्लोरो और क्लोरो, क्योंकि OH का तो काम कर लिया, हालांकि OH भी एक तरीके का सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन OH हम लोग फर्स्ट टाइम कर लिए हैं, तो और दो गो सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है, कौन कौन सा, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो अब अगर इधर से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो एक दो, दो पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तीन चार पे आ रहा है, जब हम ध्यान दीजिए इधर से कर रहे हैं तो दो और चार पे आ रहा है, एक दो पे आ रहा है फ्लोरो, तीन चार पे आ रहा है क्लोरो, लेकिन देखते हैं कि जब राइट साइड से करेंगे तो कितना नंबर पे पड़ेगा, तो एक दो नंबर पे और तीन चार नंबर पे। तो आप देखिए यहां से तो पहली बार OH भी फेल हुआ क्योंकि दोनों तरफ से बराबर था, सब्स्टिट्यूएंट भी फेल हुआ क्योंकि ये भी बराबर हो गया दोनों तरफ, तब मेरे पास अब एक ही रास्ता बचता है, वो है अल्फाबेट, वो है क्या अल्फाबेट। तो वो अल्फाबेट अगर लगाएंगे तो फ्लोरो और क्लोरो में सबसे पहले किसका वैल्यू आता है, जैसे आप फ्लोरो लिखते हैं तो फ्लोरो का स्पेलिंग होता है एफ एल यू आर ओ सी एल सी एच क्लोरो, क्लोरो सी से होता है, ये एफ से होता है, तो सी पहले आता है अल्फाबेट में कि एफ पहले आता है, तो ए बी सी, सी जल्दी आता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग करेंगे राइट साइड से, तो यानी कि वन टू, सी पहले आता है, थ्री फोर। ध्यान दीजिए जैसे जैसे चीजों को हम लोग रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, वैसा अगर अप्लाई नहीं होगा तभी हम उसको फेल मानेंगे, अगर फेल हो जाएगा तो फिर अगले वाले रूल्स पे जाना है। ध्यान रहे OH अगर फेल होता है तो डायरेक्ट अल्फाबेट पे नहीं जाना, OH अगर फेल होता है तो सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे फिट बैठ जाता तो सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग हम लोग कर लेते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस बार देखिए OH समूह मेरा क्या है, इधर से भी तीन नंबर पे है, इधर से भी तीन नंबर पे है, OH समूह हम लोगों का क्या हुआ, फेल हो गया। तो जब OH समूह फेल हो गया तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट दो नंबर पे और चार नंबर पे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितना कितना पे, दो पे तीन चार पे, इधर से भी दो चार आ रहा है, तब हम लोग अल्फाबेट लगाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर हो गया। तो जब अल्फाबेट लगाएंगे तो आप चीजों को देखिए, ये 80 है, 80 मतलब अनस्टेटाइनो और आई मतलब आयोडो, तो अनस्टेटाइनो ए आता है कि आयोडो आता है, सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट में, तो आयोडो आता है, सॉरी अनस्टेटाइनो आता है, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, इट मींस वन टू थ्री फोर फाइव। दोस्तों जब इतना सारा चीज हम लोग कर लेते हैं, समझो आपका 90% आयु पेशी नाम लिखा गया, 90% कैसे भाई, देख लो अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले OH का जो है ना, OH का नाम हम लोग सबसे अंत में लिखते हैं, OH का नाम सबसे अंत में लिखा जाता है, ठीक है, OH के लिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रखना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये कितना पे OH जुड़ा हुआ है, कितना पे OH जुड़ा हुआ है, तो दो पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो पे OH जुड़ा हुआ है, तो आप लिखेंगे टू, और कितना कार्बन का चैन है, तो एक दो तीन चार, तो आपको पता है ना चार के लिए क्या आता है, चार के लिए क्या आता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और ब्यूट में ब्यूटेनॉल, ऑल जोड़ते हैं तो ब्यूटेन तो होता ही है चार के लिए, लेकिन उसमें ऑल जोड़ देंगे तो टू ब्यूटेनॉल हो जाएगा, टू ब्यूटो टू ब्यूटेनॉल। फिर अगर बात करें यहां पे तो ये OH कितना पे जुड़ा हुआ है, तो ए वाला जो OH है वो दो पे जुड़ा हुआ है, तो आप लिखिए सबसे पहले दो, और कितना कार्बन का चैन है, ये पीसी में टोटल कार्बन कितना है, तो पीसी में तीन कार्बन है, तो तीन पे क्या आता है, मेथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोपेन,
है ना, और उसमें ऑल जोड़ना है। हम लोग रूल्स में सीखे हैं कि इसमें सफिक्स के रूप में ऑल जोड़ा जाता है, तो यहां हो जाएगा टू प्रोपेनॉल, टू प्रोपेनॉल। फिर नेक्स्ट का बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले OH वाला का तो अंत में नाम लिखना होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। तो ये क्लोरीन है, लेकिन इसको हम लोग नाम लिखते वक्त क्या लिखते हैं, क्लोरो, यानी कि OH को छोड़कर बाकी अदर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दीजिए, अंत में OH का लिखाता है, क्योंकि इसी के लिए ना ऑल जोड़ते हैं अंत में, इसी की वजह से। तो वन पे क्या है, क्लोरो, वन क्लोरो। फिर टू पे ना है OH, तो लिखेंगे वन क्लोरो टू, और कितना कार्बन का चैन, तीन कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोप से हो गया प्रोपेन, और उसमें ऑल जोड़ देंगे, तो वन क्लोरो टू प्रोपेनॉल, ठीक है, टू प्रोपेनॉल। फिर बात किया जाए हम लोगों का चौथे सवाल में, तो सबसे पहले OH पे ध्यान ही नहीं देना है आपको, और बाकी अदर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। OH को छोड़कर देखिए तो फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है, दो पे क्लोरीन, तो क्लोरीन का नाम होता है क्लोरो, तो टू क्लोरो कॉमा फिर फोर फ्लोरो, फोर फ्लोरो, फोर फ्लोरो। और अब देखना है कि सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए, तब आपको नाम लिखना है कि कितना पे OH जोड़ा हुआ है, तीन पे, तो आप यहां पे लिखिए थ्री, और टोटल कितना कार्बन है भाई पीसी में, एक दो तीन चार पांच, पीसी में पांच कार्बन है, तो पांच के लिए याद रखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, और पेंट से होता है पेंटेन, और यहां हो जाएगा ऑल, तो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। फिर अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, पांचवा नंबर का, तो इसमें क्या दिख रहा है, OH समूह, ये सब तो हमको मतलब नहीं है, OH को छोड़कर और बाकी का चीज देखिए, तो क्या नजर आ रहा है, एटी और आई, एटी मतलब अनस्टेटाइनो और आई मतलब आयोडो। तो सबसे पहले नंबरिंग तो इधर से किए हैं, तो टू पे क्या आ रहा है, एटी, तो इसका नाम हो जाएगा टू अनस्टेटाइनो, अनस्टेटाइनो कॉमा। फिर फोर पे क्या है, आयोडो, फोर आयोडो। फिर OH कितना पे है भाई, तो OH तीन पे है, तो हम जितना पे OH रहता है अब अंतिम में लिखते हैं थ्री, और फिर कितना कार्बन का चैन है, तो पांच कार्बन का, और पांच के लिए होता है पेंटेन, और उसमें ऑल छोड़िए, तो यहां हो जाएगा पेंटेनॉल। तो कुछ इस तरीके से हम लोग IUPAC नाम लिखा करते हैं, तो आप चीजों को मुझे लगता है सीख लिए हैं। सबसे बढ़िया से अच्छे से पीसी चुनिएगा और नंबरिंग कीजिएगा, फिर उसका नाम लिख के आप दिखाइएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पांच क्वेश्चंस को हमने बताया, और पांच क्वेश्चंस को आपको खुद से बनाने का ट्राई करना है, और जब आप बनाने के लिए ट्राई करेंगे तो अवश्य ही सही होगा। तो चलिए और छठे सवाल से हम आपको देते हैं खुद से करने के लिए इन चीजों को, इनका नाम लिखने के लिए, ठीक है। चलिए लिखा जाए नेक्स्ट, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखें, क्वेश्चन नंबर वन CH3, इनका IUPAC नाम लिखना है CH OH CH F CH3, नंबर टू CH3 CH OH CH2 CHBr CH3, तीसरा CH3 CH F
सी एच बी आर सी एच ओ एच सी एच थ्री, चौथा सी एच थ्री सी एच टू एफ सी एच ओ एच सी एच एटी सी एच थ्री। पांचवा सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच सी एफ सी एच थ्री सी एच आई सी एच टू सी एच थ्री। आप क्या कीजिएगा, इनका अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पीसी चुनते हुए इनका आपको नेम लिखना है, ठीक है, इनका नेम आपको लिखना है। तो इन चीजों को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर गलती होगा तो फिर हम खुद ऑटोमेटिक बताएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल के आईयूपीएसी नाम के बारे में। चलिए कुछ अलग तरह के आईयूपीएसी नाम हैं, तो इनका भी कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम कुछ इस तरीके से है, तो अब हम लोग टॉपिक लिखेंगे। ये तो अल्कोहल से रिलेटेड हो गया ना, अल्कोहल से रिलेटेड कुछ आईयूपीएसी नाम हम लोग देखें। अगर मान लिया जाए कि कुछ अलग तरफ का सवाल रहेगा, जैसे टॉपिक बनाएंगे निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम। देखिए अब कुछ आईयूपीएसी नाम अलग टाइप्स के भी होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करने से ही आ सकता है, इनके लिए कुछ स्पेशल रूल वगैरह नहीं होता है। जैसे मान लिया कि अगर ऐसा सवाल रहे CH3OH, ठीक है, तो सबसे पहला आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि सर CH3 का तो आपने एक चेन चुना और ये एक नंबर पे आ रहा है, तो हम इसका नाम ये लिख देंगे कि एक वन पे जुड़ रहा है OH तो वन, और एक कार्बन का चेन है तो मेथेन तो वन मेथेनॉल। हम बोलेंगे हाँ भाई, या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ वन को हटा के मेथेनॉल भी बोला जा सकता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ कार्बन का चेन रहे और OH एक एक ही जगह जुड़ा रहे तब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वन मेथेनॉल या फिर मेथेनॉल। जैसे मान लिया ऐसे CH3 CH2 OH, तब इसका नाम क्या होगा, तो यहां पे दो कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन का चेन क्या है, मेथ और एथ, तो एथ मतलब एथेनॉल, तो यहां पे वन एथेनॉल लिखिए चाहे एथेनॉल लिखिए, बात बराबर है। वैसे ही आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, ऐसे ही अगर और आपको मिलेगा सवाल कि इसका नाम बताइए, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट सॉरी मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। ये कुछ अलग तरीके का सवाल है जहां पे वन लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा अगर सवाल आ गया CH2 CH OH CH3, तब आपको देखना पड़ेगा कि किधर से OH समूह नजदीक पड़ रहा है, तो आपको सबसे पहले यहां से पीसी चुनना पड़ेगा, फिर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग कहाँ है, वन टू वन टू थ्री फोर, तो आप इसको लिख सकते हैं टू, अब टू जरूरी लिखना है क्योंकि यहां पे वन हम छोड़ रहे थे क्योंकि सिर्फ वन को ही हटाया जाता है, यहां पे टू है तो टू हम लोग लिखेंगे, और टू पे कितना, तो एक दो तीन चार, तो यहां हो जाएगा ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉल। तो कुल मिलाकर हम लोग इस तरीके से कुछ अदर टाइप्स के भी नाम होते हैं जिनको हमें करना चाहिए, ठीक है।
अगर मान लिया कि और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके इस पर आधारित और फिर हम लोग करना शुरू करते हैं। जैसे मान लिया कि चार हो गया ना, चार नंबर तक ये सब कुछ स्पेशल है, इनको हम लोग अलग तरीके से सीख रहे हैं, इनका नामकरण। चौथा हो गया, आगे आते हैं पांचवा एग्जाम्पल में। पांचवा अगर ऐसे आ गया तो कैसे करेंगे भाई, CH3, CH, CH3, CH2, OH, तब कैसे करेंगे भाई, तब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, कार्बन का सबसे लंबा से लंबा चैन चुना जाता है, तो कार्बन से लंबा चैन, हालांकि यहां पे तो कार्बन चार को है, तो चारों का चैन बन नहीं सकता है, क्योंकि अगर चारों का चैन बनेगा तो ऐसे हो जाएगा जिसका तीन छोर हो जाएगा, इसीलिए ये चैन में शामिल ना होकर सीधा हम लोग प्रिंसिपल चैन खींच देंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि वही तरीका को अगर हम लोग अपनाते हैं, OH समूह नजदीक पड़ रहा है तो हम नंबरिंग कर दिए 1, 2, 3। और पता है ना आपको कि जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है हर किसी कंडीशन में, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ क्या है, CH3, और CH3 का नाम होता है मेथिल या मिथाइल। तो कितना पे ये जुड़ रहा है मेथिल, दो पे, तो 2 मेथिल 2 मेथिल, और OH कितना पे जुड़ रहा है, 1 पे, तो 2 मेथिल 1, और टोटल कार्बन कितना है 3, तो 3 कार्बन के लिए मेथ एस प्रो, तो प्रोप के लिए हो जाता है प्रोपेनॉल, प्रोप के लिए प्रोपेनॉल, तो 1 प्रोपेनॉल, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल। 1 को हम लोग हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको जरूर नोट कीजिएगा कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो हमें कुछ इस तरीके के बात को भी फॉलो करना होता है, ठीक है। हम अगर पूछते हैं आपसे कि इसमें प्रिंसिपल चैन में कितना कार्बन होंगे, तो टोटल कार्बन तो 4 है, अब चारों को लेकर इस स्थिति में पीसी नहीं बनाया जा सकता है, तो हम या तो ऐसे 3 को ले लें या तो सीधा 3 को ले लें, जो इच्छा है आपके ले सकते हैं। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो एक छोर ये है और एक छोर ये है, तो 2 नंबर पे भी OH आ रहा है, है ना, 2 नंबर पे इधर से भी 2 नंबर पे इधर से भी। अब अगर OH फेल हो जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का भी तो यही हाल है, इधर से 2 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे, सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, बराबर है, तो जब सब्स्टिट्यूएंट इज इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट के आधार पे, तो अल्फाबेट तो चलने वाला नहीं है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, 2 पे मेथिल, 2 मेथिल, फिर 2, ये OH है ना, तो 2 क्या, कितना कार्बन का चैन, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, यहां हो जाएगा ऑल जोड़ते हैं ना इसमें, तो प्रोपेनॉल। उसी तरीके से नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, अगर मान लिया ऐसे रहेगा CH2CH CH2 OH OH OH, ठीक है। तो ऐसे सवालों में जब OH एक से अधिक ज्यादा बार आए तो सबसे पहले आपको पीसी का नाम लिखा जाता है, पीसी में कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो ऐसे सवालों में प्रोपेन लिख दिया जाता है, प्रोपेन, ठीक है। और OH कितना बार आया है दोस्तों, तो ये 3 बार आया है, ठीक है, तो 3 बार आया है, तो कहां कहां, तो किधर से भी 1, 2, 3 कर सकते हैं, 1, 2, 3, सबसे पहले 1, 2, 3 प्रोपेन, 1 पे भी जुड़ रहा है 2 पे भी 3 पे भी, तो इसे लिखा है 1, 2, 3, और 4 3 कार्बन का चैन है तो प्रोपेन लिख दिया। अब कितना बार आया है OH, 3 बार, तो 1 बार जब आता है तो मोनो होता है, 2 बार ट्राई, 3 बार टेट्रा, तो प्रोपेन मोनो डाई ट्राई, सॉरी 3 बार के लिए ट्राई होता है, प्रोपेन ट्राई ऑल, ठीक है, प्रोपेन ट्राई ऑल।
तो कुछ स्पेशल नाम थे जिसको हम लोग इसमें किया। तो आज दोस्तों हम लोग बहुत ही खास बात पढ़े जिसका नाम था अल्कोहल से रिलेटेड आईयूपीएसी का नाम। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।